वेलकम टू माय चैनल डिस्कसिंग विद मुनमुन। गाइस, आज 30 सितंबर है और कल था 29 सितंबर, मेरा बर्थडे था, लेकिन आज मैं बर्थडे गर्ल नहीं हूँ। तो एक्चुअली मैं अपने बंगाली ब्लॉग में, मेरे बंगाली का ब्लॉग का चैनल नेम है हाशी ठाट्टा। गाइस, उसमें जाना, सर्च करना हाशी ठाट्टा करके और आपको मेरा ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। तो उसमें मैंने वेज लंच का प्रिपरेशन किया था गाइस, तो इसीलिए क्योंकि कल ट्यूसडे भी था और मैं नॉनवेज नहीं बना सकती थी, तो वेज का ही प्रिपरेशन करना पड़ा। फिर अपने हाथ से खीर भी नहीं बना सकती, मम्मी खीर भेजी, तो बहुत ढेर सारा खीर भेजी जो मैंने कल भी शाम को इंजॉय किया, खाते खाते बहुत इंजॉय किया, और आज भी रखा हुआ है, उसे भी खाना है, कंप्लीट करना है, अभी पूरा नहीं किया उसको, थोड़ा बहुत उसमें रखा हुआ है, तो रखी हूँ कि नहीं मैं बाद में थोड़ा सा और खा लूँ, क्योंकि इतना टेस्टी बना है ना कि रख रख के खाने को मन करता है। और इवनिंग से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी क्या प्लान है कुछ पता नहीं, लेकिन बाहर में बारिश बहुत हो रही है, शायद जो सोचा हुआ काम है मेरा वो पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि मैं मतलब लंच के टाइम में भी कुछ ऐसा कुछ बना नहीं पाए क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब हो गया था कल। बहुत सारा जैसे बहुत सारे घर के काम होते हैं वो भी मैंने किया और फिर लंच बनाया, एक साथ सारा काम हो जाता है। तो आज मेरे पैरों में काफ़ी दर्द था सुबह से, मैं थोड़ा रेस्ट ले रही थी, जैसे जैसे जो भी है वो लंच बनाई, और अभी मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा बेटर बनाने को सोच रही हूँ कि कुछ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कल वेज हुआ है तो आज कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन बारिश इतनी हो रही है, बाहर अंधेरा मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं चाहूँ तो अभी कोशिश करती हूँ दिखाना, लेकिन बारिश इतनी हो रही है कि मैं क्या डिसाइड करूँ मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं गाइस, अगर कुछ इजीली शॉर्टकट में हो जाए तो अच्छी बात है। तो चलो मेरा ब्लॉग देखो और इन्जॉय करो, और अगर आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एक बार सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ सपोर्ट करो, और चलो शुरू हो जाते हैं। बज रहे हैं 9:25 और आप सोचेंगे इतना जल्दी क्यों खा रहे हैं, क्योंकि भूख लगी, और जहाँ मैगी बनी हो तो वहाँ पे तो बात ही नहीं है। आप देखो ये खाना शुरू कर रहे हैं, देख रहे हो खाना खा रहे हैं, ये खाना शुरू कर दिए,
और ये रहा मम्मी का खीर, ये मैंने कल तो मैंने खाया, बहुत इंजॉय किया हम लोग सब कोई, और अभी प्रथम मैगी और खीर खा लिया। मेरे घर में मतलब मीठा, पता नहीं लोगों का नाक कितना बड़ा बड़ा हो जाता है, मीठा कैसे पता चल जाता कि मीठा घर में अभी भी है, और मतलब चोरी भी कर लेता है ये लोग, मतलब चोरी चोरी मीठा ख़त्म। सो अभी मैं ये मैं अभी खीर खाऊंगी, उसके बाद मैगी खाऊंगी। तो मैं ये अभी थोड़ा सा इतने ही कटोरी में है और मैं अभी खाऊंगी और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा इसमें से लेंगे। अभी तो खेली तो देखे हो, हाँ बहुत भाला अच्छे, ये मैगी खा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा मैगी का क्वांटिटी ज़्यादा है। अमूल खीर खावा पायश खावा स्वभाव, और इनका मैगी का क्वांटिटी कम है, क्यों? क्योंकि इनके लिए मैं रोटी भी बनाई हूँ और थोड़ी सी हल्की सी सब्जी है और ये खीर है, इनके लिए सफिशियंट है, इनके लिए हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल का दिन बहुत अच्छा मेरा स्पेंड हुआ गाइस। आज भी, आज बहुत बारिश हो रही थी तो क्या ऑप्शन होगा, तो मैगी से बढ़कर ऑप्शन कुछ नहीं था। प्रथम बोला मम्मी मैगी लाओ, और जब थोड़ी सी बारिश कम हुई बारिश, तो प्रथम मेरे हस्बैंड गए, दोनों मिलके गए और 45 का जो मैगी है 4 पैक का वो लेके आए, 4 पैक का प्लस 5-5 रुपये का जो छोटा छोटा पैकेट था छोटू वाला मैगी वो भी लेके आए। नहीं तो प्रथम भी बहुत ज़्यादा खाता है मैगी, मैं भी ज़्यादा खाती हूँ, मेरे हस्बैंड उतना पसंद नहीं करते लेकिन खाते हैं, इसलिए वो पहले ही ख़त्म करें क्योंकि उनको रोटी खाना है। तो मैगी से कोई अच्छा ऑप्शन मिला नहीं, और मैं हमेशा वीडियो में आपको बहुत सारे मैगी बना चुकी हूँ, मतलब कुछ ऐसे हैं कि जो मैं बना शेयर नहीं की हूँ, कुछ ऐसे हैं कि जो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आज जो मैं मैगी आपसे शेयर की हूँ वो एक बार ज़रूर बनाएं, वो बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है गाइस, रियली ऑसम हुआ है। उसमें जो मसाले पड़े हैं है ना, तो उसमें जो मसाले पड़े हैं ना, घर के मसाले जो होते हैं वो तो है ही, और प्लस टेस्ट मेकर भी है। तो आज का ही मैगी बहुत ऑसम हुआ गाइस, तो मैं खुश हूँ कि मैगी से ही मेरा सेलिब्रेट हो रहा है आज। एक्चुअली आज बर्थडे है नहीं, फिर भी लाइफ में साल में एक ही बार सबका बर्थडे आता है और खुशी खुशी ये दिन बिताना चाहिए। सबसे बड़ी बात है गाइस, इतना बड़ा लॉकडाउन में, इतना बड़ी समस्या में, इंसान को घर में अच्छे से टाइम स्पेंड करना ही बहुत बड़ी बात है, और सबको खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि टेंशन सबके लाइफ में है, और टेंशन में आप 24 आवर्स नहीं रह सकते हो। इसलिए मैं कभी टेंशन कभी कभी दिमाग से निकाल लेती हूँ, क्योंकि खाना और सोना ये दो चीज़ लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ होती है जो इंसान को अच्छे से, अदरवाइज़ लोग अनहेल्दी हो जाएंगे। वैसे भी अनहेल्दी थोड़ा खा ही रहे हैं, मैगी अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है। और चलो छोटा सा मैंने ब्लॉग दिया है, और चाहती हूँ कि सब खुश रहे, अच्छे रहे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताऊँगी कि बहुत सारा खाना बना के वेस्टेज करना बहुत गलत बात है आज के समय में, और इतना खाना बना के 4 दिन फ्रीज में रख के खाओ गाइस तो वो भी अनहेल्दी है, वो भी ना करें। फ्रीज में एक चीज़ को 4 दिन स्टोर करके खाना बहुत गलत बात है, इसलिए वो भी ना करें, इसलिए मैं वो भी नहीं करती हूँ। 1 से 2 दिन फ्रीज में रहता है बस, उसे यूज़ करती हूँ, और बर्बाद तो बिल्कुल ही करती हूँ भाई। अभी बहुत महंगा है आलू, 35 kg मतलब 35 रुपये किलो आलू, और प्याज 50 रुपये किलो प्याज गाइस, क्या बोलोगे, कितना हाथ को मतलब नहीं समझ में आता। ओके गाइस चलो, समस्या बहुत सारे हैं, अच्छा सब्जी भी जो 50, 60, 70, 80 कोई 80 से कम नहीं है सब्जी भी, कुछ भी नहीं, क्या करे, तो कितना कमाए और कितना खाए, वही तो। चलो गाइस अब ब्लॉग को एंड करते हैं, और मैगी जगह था, हाँ मैगी दिखाती हूँ मैं, मेरी क्वांटिटी देख लो, गिरा हो भी मैगी, लौंगों को फेल में ना, एक भी हरी मिर्च नहीं फेंकना है, डराओ अरे बटो दाओ, टू गुड टू गुड।
ओके गाइस, गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, बाय बाय।